तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो अगले लोकसभा में बड़े जनादेश के साथ वापसी करेंगी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में महुआ मोइत्रा ने इस सिफारिश को कंगारू कोर्ट द्वारा एक पूर्व निर्धारित मैच बताया। मोइत्रा ने कहा कि भारत के लिए संसदीय लोकतंत्र की मौत है। बता दें कि महुआ मोइत्रा 2019 में पश्चिमी बंगाल के कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर पहली बार सांसद बनी। इससे पहले वो करीमपुर से विधायक थी। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपों को बहुत गंभीर बताया और मांग की कि उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना संसद लॉगिन उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी के साथ साझा किया था, जिन्होंने गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पोस्ट करने की बात स्वीकार की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब महुआ मोइत्रा वहाँ नहीं थी तो दुबई से 47 बार लॉगिन का इस्तेमाल किया गया था। एथिक्स पैनल ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय आनंद देहाद्रोई के बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने मूल रूप से अपने पूर्व साथी महुआ के खिलाफ शिकायत की थी। महुआ मोइत्रा से 2 नवंबर को पूछताछ की गई थी, जहां उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनसे अभद्र और व्यक्तिगत सवाल पूछे गए थे। पैनल के 4 विपक्षी सदस्यों ने इस रिपोर्ट का विरोध किया और कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने रिपोर्ट से असहमति जताते हुए कहा कि दर्शन हीरानंदानी को नहीं बुलाया गया। एथिक्स पैनल के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपेंगे। अध्यक्ष रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश दे सकते हैं। संसद के अगले सेशन के दौरान समिति के अध्यक्ष रिपोर्ट को सदन में पेश करेंगे और फिर उस पर बहस होगी, जिसके बाद सदस्य के निष्कासन के लिए सरकारी प्रस्ताव पर मतदान होगा, तभी महुआ मोइत्रा का निष्कासन प्रभावी होगा। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सवालों के बदले पैसे लेने के आरोपों के मुद्दे पर तृणमूल ने चुप्पी बनाए रखी है। यहां तक कहा गया कि इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हालांकि गुरुवार को रुख में बदलाव आया, क्योंकि तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा प्रतिशोध की राजनीति का शिकार हुई है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो कोई भी अडानी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। मोइत्रा के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले ही लोकसभा आचार समिति उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कैसे कर सकती है।